हेलो एवरीवन वेलकम बैक बैक टू चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद विद एंड हियर आई एम अनदर वीडियो वीडियो इज अबाउट सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर एस वाई बी कॉम स्टूडेंट्स एंड द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर द एस वाई बैफ स्टूडेंट्स एंड वी आर डिस्कसिंग सम ऑफ द समीक्यूज विच विल क्लियर ऑल द बेसिक्स फ्रॉम द वेरियस टॉपिक्स तो हम बहुत सारे एम सी क्यूज को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जिसके बेसिस पे आपके हर एक चैप्टर के जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाए और जो पेपर में आपको एम सी की उस कंसेप्ट के बेसिस पे पूछे जाते हैं वो आपके सही हो इसके लिए ये सेशंस मैंने शुरू किए हैं तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले जो वीडियोज आएंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और इसको अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनको भी ये जो सीरीज है उसका हंड्रेड परसेंट बेनिफिट मिल पाए लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन है डैश शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द नेम ऑफ वन पर्सन कंपनी एलएलपी पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड या ओपीसी देखो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया कंपनी का एंड दैट इज कॉल्ड एज ओपीसी ओपीसी इज व्हाट वन पर्सन कंपनी एक पर्सन की भी कंपनी हो सकती है पहले आप क्या जानते थे कि एक पर्सन सोल ट्रेडर होता है दो पर्सन रहेंगे तो वो पार्टनरशिप होता है फिर पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी को इंटीग्रेट करके एक नया बिजनेस नया कंपनी फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एस एल एल पी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फिर उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो ओपीसी जो है ओपीसी नाम कंपल्सरी है वन पर्सन कंपनी के लिए तो राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर वन इज ओपीसी नेक्स्ट पॉइंट अनक्लेम्ड डिविडेंट इज शोन अंडर द हेड डैश इन द बैलेंस शीट So, this is from the chapter of redemption of preference shares. Unclaimed dividend ya unpaid dividend balance sheet me kaha dikaya Current assets reserves and surplus, current liabilities, ya other current assets. So, the right answer for this question is current liabilities the unclaimed dividend dikaya jaiga. Question number 3 is sweet equity shares are issued to employees. एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑडिटर्स या डायरेक्टर्स तो डोंट गेट कन्फ्यूज बाय द वर्ड स्वीट इक्विटी शेयर्स का मतलब यहाँ पर मीठा इक्विटी शेयर्स नहीं होता काफ़ी इंपॉर्टेंट वरना बहुत सारे लोग को पता नहीं होता है और वो आइडिया लगाते हैं कि स्वीट का मतलब यहाँ पर मीठा इक्विटी शेयर ऐसा कुछ नहीं है स्वीट इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो हमेशा एम्प्लॉयज़ को इशू किए जाते हैं तो किसे इशू किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को ये टाइप के शेयर्स ईशू किए जाते हैं Next is four, number fourth trade creditors includes creditors for goods, creditors for expenses, creditors for assets purchase, creditors for liabilities paid. So dhyan trade creditors is always related with creditors for goods. The right answer for this question is creditors for goods. Next question provision for tax and proposed dividend are transferred under. ड इन द बैलेंस शीट तो प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड ये कौन से हेड के अंदर ट्रांसफर किए जाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ओन फंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो ध्यान से दैट विल बी पोस्टेड अंडर दॉर्ट टर्म प्रोविजन इफ यू सी द फर्स्ट पॉइंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लॉन्ग टर्म बोरइंग्स में हमेशा डिवेंचर्स को पोस्ट किया जाता है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट को पोस्ट किया जाता है ओन फंड्स इज रिलेटेड विद द शेयर कैपिटल एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस वी इंक्लूड टू पॉइंट्स प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड तो राइट आंसर इज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स द शेयर्स ऑफर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट आर कॉल्ड एज ऐसे शेयर्स जो फ्री में मिलते हैं कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती तो क्या कहते हैं राइट शेयर्स बोनस शेयर्स प्रेफरेंशियल शेयर्स या प्रायरिटी शेयर्स तो ऐसे शेयर्स को हम कहते हैं बोनस शेयर्स ध्यान रखना बोनस शेयर्स हमेशा फ्री में मिलते हैं लेकिन बोनस शेयर्स आर ऑलवेज इशूड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कभी भी बोनस शेयर्स नहीं मिलते तो जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे कंपनी के they have the rights to get bonus shares and company is going to issue bonus shares in certain ratio usually वन is to वन का ratio होता है मतलब अगर आपके पास एक शेयर रहेगा तो कंपनी आपको एक बोनस शेयर देगा कभी कभी वन इज टू टू का भी रेशो होता है मतलब कंपनी आपको दो दो शेयर के बदले में एक शेयर देगा दैट डिपेंड्स ऑन द कंपनी कि वेदर They are giving one is to one 2 is to one three is to one four is to one that purely depends on the company but uh, bonus shares are always issued to the equity shareholders and that is issued free of cost the shareholders will not pay any amount for this bonus share next is dividend is usually paid to shareholders as a percentage of paid up capital net profit authorized capital कॉल्डअप कैपिटल जो डिविडेंड कैलकुलेट होता है वो हमेशा पेडअप कैपिटल पे कैलकुलेट होता है ध्यान रखना पेडअप कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है तो अगर कोई कॉल्सिन एरियर्स रहा तो कॉल्सिन एरियर्स माइनस करके फिर जो पेडअप कैपिटल आएगा उसके ऊपर डिविडेंट पे होता है एज अ परसेंटेज नेक्स्ट इज कैपिटल रिडम्शन रिजर्व जिसको हम शॉर्ट में सी आर आर के बेसिस पे जानते हैं कैपिटल रिडम्शन रिजर्व कैन बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंट इश्यू ऑफ राइट शेयर्स इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स सेटिंग ऑफ अगेंस्ट लॉसेस तो ध्यान रखना सी जो क्रिएट करते हैं हम फ्रॉम द डिविजिबल प्रॉफिट्स जो सी क्रिएट होता है उस सी से हम बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं तो राइट right आंसर इसका है इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स मतलब जब आप बोनस की एंट्री करते हो प्रोविजन फॉर बोनस शेयर्स की तब आपको सबसे पहले सी यूज करना है बिकॉज हम सी आर आर से ही पहले बोनस की प्रोविजन करेंगे अगर सी आर आर कम पड़ता होगा देन यू कैन यूज जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस सिक्योरिटीज प्रीमियम फिर आप कोई भी रिजर्व को यूज कर सकते हैं बट फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा बोनस के लिए सी आर आर को दिया जाता है इसीलिए कैपिटल रिडम्शन रिजर्व जो रहेगा वो इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस के लिए यूज किया जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन द रिडम्शन अमाउंट रिमेन अनपेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज शोन इन द बैलेंस शीड एस दिस इज दी पार्ट रिलेटेड टू नॉन ट्रेसेबल तो ऐसे शेयर होल्डर्स जिसको कंपनी ट्रेस नहीं कर पाया तो उन शेयर होल्डर्स का पेमेंट उनको नहीं मिलेगा बिकॉज कंपनी फाइंड आउट ही नहीं कर पाया कि ये शेयर होल्डर्स कहाँ है ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजन सच थिंग्स हैपन्स जैसे कि उनका एड्रेस चेंज हो चुका है उन्होंने कंपनी के साथ प्रॉपरली कॉन्टेक्ट नहीं किया करस्पॉन्डेंस नहीं हुआ तो इनके जो भी नॉन uh, ट्रेसेबल की वैल्यूज होती है या अमाउंट होता है उसको हम हमारे बैलेंस शीट में कौन से हेड में पोस्ट करते हैं करंट असेट्स करंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म बॉरिंग्स या फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस तो हम इसको पोस्ट करते हैं करंट लाइबिलिटीज के हेडिंग में और क्या लिखा जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लेम्स तो हम लिखते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लेम्स और लिखा जाता है अंडर दी हेड करंट लाइबिलिटीज तो रिमेंबर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज करंट लाइबिलिटीज

क्रेडिट किया जाता है दैट इज़ बीन क्रेडिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें कि आप किस तरीके से इसको प्रिपरेशंस के लिए हेल्प करने वाले हो और अगर आपको कोई भी क्वेरीज आती है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सो दैट आई कैन सॉल्व योर क्वेरीज अकॉर्डिंगली एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स बिकॉज दे ऑल्सो विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ सेशन ताकि उनके कंसेप्ट के ऊपर काम हो सके और उनके जो एम सी क्यूज पेपर में पूछे जाएंगे भले आप कोई भी कॉलेज को डिपेंड बिलोंग कर रहे हो तो उसके बेसिस पे आपको इसका हेल्प हंड्रेड परसेंट होने वाला है बिकॉज हम हर एक एम सी क्यू के कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देने वाले दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन नेक्स्ट टाइम मिलेंगे थैंक यू ऑल ऑफ यू बाय बाट टेक केयर एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर